बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हिट स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शमशाद मांगट, और आज की हमारी स्टोरी उस्मान मिर्ज़ा से मुतल्लिक है। उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से पिछले चंद दिनों में बिल्कुल जो है वो ठंड हो गई थी, कोई ख़बर नहीं आ रही थी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि अदालत ने जज जनाब वकार गोंदल साहब ने उनको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था, और उनको दोबारा पेश किया गया है आज अदालत में। तो एक तो ये चीज़ सामने आई है कि उस्मान मिर्ज़ा ने बताया है कि ये उसकी वीडियो किसने लीक की है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा हमारे पास ये भी मालूमात सामने आई हैं कि उस्मान मिर्ज़ा ने मुतासरा लड़की लड़के को क्या पेशकश की है, क्योंकि वो सुलह चाहता है। और ये भी सामने आई हैं चीज़ें कि उस्मान मिर्ज़ा का ये कहना है कि मेरी और मुतासरा जोड़े की सुलह हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद जो वीडियो बनाकर पेश की गई वो एक प्लानिंग के तहत की गई। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, और पहली दफ़ा इस केस में पहली दफ़ा उस्मान मिर्ज़ा ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जज जनाब वकार गोंदल साहब ने आज उनको दोबारा जुडिशियल रिमांड पे जेल भिजवा दिया है, और ये हुक्म दिया है कि 13 और 27 अगस्त को इनको दोबारा पेश किया जाए। अलबत्ता साथ ही पुलिस को ये भी हुक्म दिया है कि 10 सितंबर तक चलान मुकम्मल करके अदालत में पेश कर दिया जाए। तो जब मुलजमान को अदालत में पेशी के लिए लाया गया तो उस मौका पर उस्मान मिर्ज़ा ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे जालिम बनाकर पेश किया जा रहा है, हालांकि हकीकत यह है कि मैंने 2 करोड़ रुपए शेख क्यूम और नादिया शेख क्यूम की अहलिया है उनसे लेना था, जिसके चेक डिसऑनर हुए तो उनको मैंने जेल भिजवाया, लेकिन उन्होंने ये वीडियो जो है वो किसी तरीके से हासिल करके इसकी एडिटिंग की और इसमें वो चीज़ें भी डालें जो नहीं थी। और उस्मान मिर्ज़ा ने यह दावा भी किया है कि जब इस वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी तो मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल सच साबित हो जाएगा। तो नाज़रीन मैं आपको यह भी बता दूं, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि उस्मान मिर्ज़ा जो है फॉरेक्स कंपनियों के साथ मिलकर काम करता है, और उस्मान मिर्ज़ा का 6 करोड़ रुपए डूबा हुआ है, और ये 2 करोड़ रुपए इसने शेख क्यूम और नादिया से लेना था, जिनको इसने चेक डिसऑनर होने पर उनको जेल भिजवाया। और उस्मान मिर्ज़ा ने यह भी दावा किया है कि शेख क्यूम और नादिया जो उसकी अहलिया है उनका पुलिस के साथ बेहतरीन तल्लुकात हैं, और उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर ये सारी गेम प्लान तरतीब की ताकि ना सिर्फ उनको पैसे ना देना पड़े बल्कि उल्टा मुझे सबक सिखा दिया जाए। तो उनका ये कहना है कि मैं जो मुझे पेश किया जा रहा है मैं वो नहीं हूँ, बल्कि मैं तो मुतासरा हूँ, मेरे पैसे शेख क्यूम ने और नादिया अली ने देनी है। और उसका यह भी दावा था कि जो वीडियो वायरल हुई उससे पहले जो है पुलिस ने मुझे पकड़ा और वीडियो बाद में वायरल हुई, हालांकि ऐसा नहीं है, वीडियो पहले वायरल हुई और उसके बाद पुलिस ने जो है एक्शन शुरू किया था। लेकिन यह अलबत्ता एक नई चीज़ है जो उसका कहना है कि शेख क्यूम और नादिया जो उसकी अहलिया है उन्होंने मिलकर ये प्लानिंग की थी और इसमें पुलिस मुलव्वस है। अब देखते हैं, चूंकि पुलिस ने पहले भी यकतरफा ही ट्रैफिक चलाई हुई है और पुलिस को इब्तदाई तफ्तीश के दौरान ही ये मालूम हो गया था कि असल मसला उस्मान मिर्ज़ा का शेख क्यूम और उसकी अहलिया नादिया के साथ है। तो चुनाचे अब ये तफ्तीश देखते हैं कि पुलिस उस तरफ जाती है या नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि आज जब अदालत में मुलजमान को पेश किया गया तो 7 मुलजमान थे, हालांकि इस केस में 14 मुलजमान है। तो जज ने इस्तफसार भी किया कि सारे मुलजमान क्यों पेश नहीं किए गए, तो चूंकि पुलिस अभी बाकी मुलजमान को पकड़ नहीं सकी इसलिए जो पकड़े गए हैं 7 के 7 उनको उस्मान मिर्ज़ा और उनके साथियों को पेश किया गया। और उनके वकला ने अदालत से ये भी इस्तफसार किया कि आपका हुक्म था कि इनको कपड़े बदलवाए जाएंगे, लेकिन आपके हुक्म के मुताबिक इनको कपड़े नहीं बदलवाए गए और ना ही इनको मेडिसिन दी जा रही हैं जबकि इनको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं। तो आज वकला ने उस्मान मिर्ज़ा के वकला ने जज से ये दरख्वास्त की कि दोबारा पुलिस को ये और जेल हुकाम को हदायत जारी की जाए कि इनकी फैमिली के साथ इनकी मुलाकात करवाई जाए और जो ज़रूरी अदवायात हैं वो भी फराहम की जाएँ और कपड़े बदलने की सहूलत भी फराहम की जाए। तो अब देखते हैं कि ये फॉरेक्स कंपनी में शेख क्यूम और नादिया जो 2 नए किरदार सामने आए हैं इनके साथ पुलिस क्या सलूक करती है। लेकिन उस्मान मिर्ज़ा का दावा है कि ये दोनों जो हैं वो पुलिस के साथ अच्छे मुरासम रखते हैं, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, चूँकि प्लानिंग के साथ मेरे खिलाफ़ ये कार्रवाई हुई है और मैं इसमें सुरखरू हूँगा। लेकिन एक और चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि उस्मान मिर्ज़ा ने जो मुतासरा लड़की लड़का है उनको 1 करोड़ रुपए की पेशकश की है कि वो 1 करोड़ रुपए ले लें और इस मुकदमे से पीछे हट जाएं और खामोश हो जाएं। लेकिन फ़िलहाल लड़की और लड़के ने असद ने और उसके साथ जो लड़की थी उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया है
और उस्मान मिर्ज़ा ने आज साफियों को ये भी बताया कि असद और जो मुतासरा लड़की है वो दोनों प्रॉपर्टी का काम करते हैं और मेरा जो फ्लैट है उसको मिसयूज़ किया गया, उसको बेचने के बहाने ये चाबी ली गई थी और फिर उसमें जब हम पहुँचे हैं तो ये जिस हालत में थे वो पूरी कौम ने देखा है, वो वीडियो देखी गई है। लेकिन उसका साथ साथ ये भी कहना है कि जिस तरह मुझे वीडियो में दिखाया गया है वो एडिटिंग है, वो असल नहीं है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो सामने सब चीज़ें आ जाएंगी। जी तो नाजरीन, मैंने आपको बताया कि उस्मान मिर्ज़ा केस में आज पेशरफ्त हुई है और अदालत ने उनको दोबारा जेल भिजवा दिया। ये मशहूर केस है इस्लामाबाद का, यहाँ इस्लामाबाद की जो मशहूर जगह है जहाँ पे कई हाई राइज बिल्डिंग हैं, वहाँ पे एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर ये वाक़या हुआ था और ये वीडियो लीक हुई थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई थी और उस्मान मिर्ज़ा की जो वीडियो सामने आई उस पर पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उसके जो एक्ट था उसके खिलाफ गमो गुस्सा पाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसको और उसके साथियों को हिरासत में लिया और फिर उसके मोबाइल से जो वीडियो बरामद हुई उनके साथ भी तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया। लेकिन मैं तवक्को करता हूँ कि उस्मान मिर्ज़ा ने जो इंकशाफ किए हैं पुलिस इस सिलसिले में भी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी और चेक करेगी कि शेख क्यूम और उसकी अहलिया नादिया का क्या किरदार है और उन दोनों ने किन पुलिस अफसरान से मिलकर इस सारी साजिश के ताने बाने बुने थे। गो के उस्मान मिर्ज़ा का जो एक्ट था, जो उसने अमल किया वो इंतहाई शर्मनाक था, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन आखिर वो पाकिस्तान का शहरी है और इंसान है, उसने जो मौक़िफ लिया है कि शेख क्यूम और उसकी अहलिया ने ये सारी साजिश तैयार की है, तो पुलिस को चाहिए कि लाजमी तौर पर शेख क्यूम और उसकी अहलिया को भी शामिल तफ्तीश करे ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।